नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, ऊपर से ऑर्डर आया है कि डाकू जागीरा सिंह को कानपुर जेल लेके जाना है। ओके सर। और हाँ, बहुत खतरनाक मुजरिम है, संभाल के ले जाना है। जल्दी जाने के लिए पहाड़ों के रास्ते से जाना होगा।
मेरी तलाश जारी है। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, उन्हें छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं तुम्हारी मौत का बदला नहीं ले लेता। मुझे चैन नहीं आएगा। कुछ पता चला उस महाकाल का या नहीं? नहीं सरदार, महाकाल का कुछ पता नहीं चला। कैसे पता नहीं चला? बिहड़ों का चप्पा चप्पा छान मारा, पहाड़ों से उसका पता पूछा, तवायफों के कोठे पर पूछा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। तो क्या जमीन निकल गई उसे या आसमान खा गया? जब तक हम उसके लाश गिरा नहीं लेते, हम अपनी तलाश इसी तरह जारी रखेंगे। महाकाल बचना नहीं चाहिए। सुन के लोगों के कलेजे फट जाते हैं, जिसके पैरों की आहट सुन पहाड़ भी रस्ते से हट जाते हैं। सारी दुनिया में मचा रखा है जिसने भौचाल, कयामत ढाने आ गया जुल्म सितम से बना डाकू महाकाल। सरदार सरदार सरदार, बिहड़ों में जागीरा आपको मार डालने के लिए तलाश कर रहा है। जागीरा? कौन जागीरा? हमने तो कई जागीरा नाम की लाशों के ढेर लगाए हैं, यह कौन मर्दू था जो बच गया? सरदार वही मिर्जापुर वाला थानेदार जिसे आपकी वजह से फांसी की सजा हुई थी, अब वो जेल तोड़कर भाग चुका है सरदार, और डाकू बन गया है और बिहड़ों में आपको मारने के लिए तलाश कर रहा है। थक तेरे की जागीरा, ये तूने क्या किया? अगर जेल में रहता तो कुछ दिन और जी लेता, थोड़ी रोटियां और तोड़ लेता, थोड़ा पानी और पी लेता, लेकिन लगता है कि तुझे मेरे हाथों से मरने की जिद है और मैं तेरी ये जिद जरूर पूरी करूंगा। जागीरा, ए जागीरा, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं मैं। जागीरा, महाकाल की तुझे तलाश थी ना, तो महाकाल तेरे सामने खड़ा है और साथ में तेरी मौत का पैगाम भी पड़ा है। अपनी मौत का ढोंग रचाकर तुमने कानून को तो धोखा दे दिया महाकाल, लेकिन आज अपनी मौत को धोखा नहीं दे सकोगे। अरे मौत उस दिन बेमौत मर जाएगी जिस दिन महाकाल को छूने आएगी। आएगी मौत तो तुझे ढूंढने आएगी और तुझे अपने साथ ले जाएगी। आज मैं तेरी मौत बनूंगा। मैं तेरी लाश गिरा कर आज अपनी तलाश हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। Thank you.
हुआ सरदार? गुस्से में गोलियां क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसलिए कि वो महाकाल आज मेरे हाथ से बचकर निकल गया। सरदार, उसको गोली लगी है और वो मर गया होगा। लेकिन मेरी भड़ास तो पूरी नहीं हुई। मेरा तो जी चाहता था कि उसका सीना गोलियों से छल्ली कर दूं। जागीरा, अगर तू मेरा सीना गोलियों से छलनी भी कर देता तो भी मैं नहीं मरता, क्योंकि मैं बहुत सख्त चाल हूं। जिस पर मौत बिकती है वो दुकान हूं। सरदार, आपके हाथ पर गोली लगी, आप बच गए। अगर सीने पर लगती तो मर जाते ना। सुन, जाके पता लगा कि मेरे भाई कहां है। कहीं डाका डाल रहे हैं या किसी को निशाना बना रहे हैं। कुंदन सिंह, कुंदन सिंह! अंधेरी रातों में उल्लुओं की तरह रोने वाले, पानी की जगह आंसुओं से अपना मुंह धोने वाले, क्यों अपनी मनहूस आवाज में मेरा नाम ले लेकर चिल्ला रहा है? क्यों मेरे कानों में अपनी आवाज का तूफान उठा रहा है? बोल। कुंदन सिंह, आपके बड़े भाई महाकाल को जागीरा ने गोली मार दी है, वो मर गया होगा। कितनी गोलियां लगी है मेरे भाई को? एक गोली, सिर्फ एक गोली? और तू कहता है महाकाल मर गया? अरे इससे पहले भी 10 गोलियां लगी थी मेरे भैया को, तब भी मौत बेबस थी, खाली हाथ आई थी और खाली हाथ लौट गई थी। मंगल, बड़े भैया को साले जगीरा ने मारा है, मैं उसे अपनी ताकत के इन दो पहाड़ों से कुचल डालूंगा। नहीं नहीं मेरे भाई, नहीं, तू अकेला नहीं जाएगा, हम दोनों मिलकर जाएंगे और उस जगीरा के बीच में से काटकर दो टुकड़े कर देंगे, एक टुकड़ा तेरा और दूसरा मेरा। तूने मेरे भाई को गोली मारी है, अब यहां के पहाड़ तेरी चीखें सुन के रोएंगे, कांपेंगे। जागीरा, तेरी दहशत भरी मौत देखकर पत्थरों के कलेजे फट जाएंगे। तेरी जिंदगी में जितने दिन बचे हैं ना, वो सारे के सारे दिन आज घट जाएंगे। लगता है तुम दोनों भी अपने भाई के पास जाना चाहते हो, हैं? आओ आजो। Yeah.
जगीरा, जगीरा, आज तो तू बच गया, लेकिन अगली बार तू नहीं बचेगा। भाग पुलिस चल भाग। मैं तुम्हारा? मैं शोला बाई हूँ। बहुत बहादुर हो, जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ रहती हो? आओ मेरे साथ। चलो। शोला बाई, ये है तुम्हारा ठिकाना और ये सब तुम्हारे साथी हैं। हाँ। आज तुमने मेरी मदद करके मुझ पर जो एहसान किया है उसकी वजह पूछ सकता हूँ? मुझे एक बहुत बहादुर दोस्त की तलाश थी जो मुझे मेरे दुश्मनों को खत्म करने में मेरी मदद करेगा। कौन है तुम्हारा दुश्मन? मैं उसे नहीं पहचानती। आज से 15 साल पहले की बात थी। पिताजी, पिताजी। अरे आओ बेटी, राम के लिए आओ। पिताजी, मैं रामकली नहीं हूँ, मैं शब्बू। अरे तू रामकली कहाँ है? रामकली तो मेरे पास है। अरे अरे अरे, इन दोनों की एक जैसी शक्ल मुझे पहचानने में मुश्किल हो जाती है। इस परेशानी को हंस के झेलिए, एक ही शक्ल के जुड़वा बच्चे हर घर में नहीं होते। ये तो। अरे हाँ, आपको सेठ जी के वहाँ जाना था ना, याद है कि भूल गए? मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, मैं अभी जाता हूँ। अच्छा। अरे ये जो यहाँ सभी गया, ये कौन था, कहाँ से आया? डाकू था, डाकू, महाकाल डाकू। सेठ जी का खून कर दिया और तिजोरी का सारा माल लूट लिया। ये ले तेरा ऐसा बिरजू, तेरा ऐसा चिट्टे। चल चल पैर दबा। सरदार, हम तो डाका डालने गए थे और आपने सेठ ओम प्रकाश को मार डाला। वो बहुत बड़ा आदमी था, पुलिस हमारी तलाश में जमीन आसमान एक कर देगी सरदार। नहीं 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 सरदार, मैं तो भूल गया था कि इस दुनिया के सबसे बड़े आदमी आप ही हैं, यानी कि महाकाल। ये क्या सरदार, आपके पैर में 6 उंगलियां? बिरजू, 6 उंगली सरदार की पहचान है। क्या सोच रहे हैं सरदार? मैं उस तस्वीर बनाने वाले के बारे में सोच रहा हूं जिसके साथ भागते हुए मेरी टक्कर हुई थी। उसे मेरी शक्ल ठीक से याद होगी। हाँ?
क्या तस्वीर बनाई है पेंटर, तुझे तो तेरे हुनर के लिए इनाम मिलना चाहिए। नहीं, नहीं। पकड़ा दोनों को। नहीं, कमीने। क्या हुआ बच्चों? इस तरफ जाओ जाओ। बच्चे कहाँ गए? बच्चे उस तरफ गए। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, रामकली। रामकली, चल बेटे रो मत, चल मेरे साथ। बच्ची, अरे ये किसकी बच्ची है? यहां इसे कौन छोड़ गया होगा? अरे बिरजू, ये बच्ची किसकी है? मुन्नी भाई, ये मेरी बच्ची है, इसको संभाल कर रखना। पुलिस मेरे पीछे, मैं चलता हूँ। खबरदार, मैं जो भागने की कोशिश की तो गोली चला दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, पता चला इस बच्ची के माँ बाप के कातिल कौन है? इनके माँ बाप के असली कातिल का अभी तक हमें पता नहीं चला। हाँ, इनके गिरोह का एक साथी बिरजू पकड़ा गया है, लेकिन वो अपने सरदार का नाम बताने से इनकार कर रहा है। हम उस कातिल को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, आप इस बच्ची को संभाल के रखिए। और हम दोनों बहनें बिछड़ गए, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जिंदा है और एक दिन वो मुझे जरूर मिलेगी। उसका कुछ पता ठिकाना तो होगा, उसके पहुंचने तक कुछ जरिया तो होगा। है एक जरिया, उसका साथी बिरजू, लेकिन आज वो जेल में है। मुझे बिरजू से मिलना है। बिरजू की तबीयत बहुत खराब है, वो किसी से मिलना नहीं चाहता। तो वो मुझे कब मिलेगा? थोड़े दिनों बाद। ठीक है। कौन है ये साहब? पता नहीं कौन है, बार बार बिरजू से मिलने आ जाती है, और बिरजू जो है अपनी बेटी रामकली के अलावा किसी और से मिलना ही नहीं चाहता वो। बाबा, जेलर साहब कहते हैं कि आपसे कोई बुरखे वाले मिलने आती है और आप उसे मिलना नहीं चाहते। बेटी, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ। क्यों बाबा? मैं सबसे पहले उस इंसान से मिलना चाहता हूँ जिसकी वजह से आज मैं जेल में बंद हूँ। आखिर वो जालिम कौन है? बेटी, उसके कई रूप और कई नाम हैं, न जाने वो आजकल कौन से रूप में और कहां होगा। फिर एक नया रूप भैया। तुम लोग ठीक समझे, आज से मैंने महाकाल का चोला उतारकर ठाकुर शाकाल का रूप धारा है। फिर तो भैया, इस खुशी में एक शानदार जश्न होना चाहिए। जश्न होगा, जरूर होगा। हलवा। हाँ सरदार। चाव और किसी को लेकर आओ। हाँ। जिसके साथ हम तीनों मिलकर जश्न मनाएंगे, वो हमको जलाएगी, हम उसको जलाएंगे। हाँ, ये हुई ना बात। जाओ। जी सरदार। गजब हो गया, वो कलुआ को पुलिस ने पकड़ लिया। Ah!
वरना गोली मार दूंगा। जल्दी में हूँ, तुझे बाद में देख लूंगा। अबे टकले, देर से ज्यादा जल्दी में तो मैं हूँ, वरना तुझे देखने के लिए मैं छोड़ता भी नहीं। शंकर, तू जेल से भागा है बेटे? और क्या करता, जिंदगी भर जेल में सरता रहता। जब तक ठाकुर विकराल सिंह से मैं अपनी बहन का बदला नहीं ले लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। नहीं बेटे, आखिर ठाकुर को मारकर तुझे क्या मिलेगा? मगर मैं क्या करूं चाचा, खुद को बेगुनाह और ठाकुर को गुनहगार साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करो। चाचा तब तक बहुत देर हो जाएगी। बेटे, पौधा लगाते ही फल नहीं निकलने लगता, इंतजार करो। मगर अगर बगर छोड़ो, तुम यहां छुपकर इस तरह रहो कि किसी को भी पता ना चल पाए कि तुम जेल से भाग कर आए हो। सरदार, सरदार, मैं जेल से भाग कर आ गया। हाँ, मुझे यकीन था कि मेरी सेना के बहादुर सिपाही को सरकार ज्यादा देर तक अपनी कैद में नहीं रख सकती। मगर सरदार, शंकर भी भाग निकला मेरे साथ। शंकर? कौन शंकर? वही शंकर जिसकी बहन का खून करके आपने उसकी जमीनों पर कब्जा कर लिया था। हाँ, हाँ। और उसे उसी की बहन के कत्ल के इल्जाम में जेल भेज दिया था, वही शंकर। हाँ। भैया, जरूर वो आपसे इंतकाम लेने के लिए जेल से भागा होगा। न जाने ऐसे कितने मेरे जान के दुश्मन होंगे जो मुझसे बदला लेने के लिए इंतकाम की आग में जल रहे होंगे। मैं भी उसी इंतकाम की आग में जल रही हूँ महाकाल। जाने मेरे इंतकाम की आग कब बुझेगी, कब मुझे इस नकाब के पीछे छुपा हुआ चेहरा नजर आएगा। बस करो सोला भाई, बस करो, ये आग के शोले उगलना बंद करो। कैसे बस करू सेठ पोपटलाल, मेरा खौलता हुआ खून कह रहा है बदला, बदला, बदला। उसका अंजाम जानती हो? मौत। लेकिन भगवान से बस एक ही प्रार्थना है कि मरने से पहले मेरी बिछड़ी हुई बहन मुझे मिल जाए। भगवान करे तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। दुआएं दे चुके हो तो आने की वजह बताओ सेठ पोपटलाल। मोड़ीना के एक जंगल में एक खूंखार डाकू छम्मा छल्लो है, जिसे एक डाके में बहुत कीमती हार हाथ लगो है, वो हार मुझे ला के दे दो। क्या कहा, मोरीना के जंगल में डाकू छम्मक छल्लो? दरोगा साहब, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ? वो डाकू छम्मक छल्लो मेरा 5 लाख का हार उड़ाकर चली गई। क्या, डाकू छम्मक छल्लो आपका 5 लाख का हार चुरा कर ले गई? भैया, भैया वो मोरीना का झनका डाकू है ना, खबर मिली है कि उसके पास एक 5 लाख रुपए का हार है। क्यों ना हम उसके ठिकाने पर जाकर वो हार छीन ले। शाबाश मेरे भाइयों, तुम लोग ऐसी ऐसी खबर लेकर मेरे पास आते हो जिसे सुनकर शैतान भी हैरान हो जाता है। तुम तो जानते हो कि खूबसूरत और कीमती हार मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, किसी भी कीमत पर हार हमारे पास होना चाहिए। ठीक है भैया, हम छम्मक छल्लो पर धावा बोल देंगे और वो हार छीन लेंगे। मैं हूँ छम्मक छल्लो, डाकू छम्मक छल्लो, कोई कोई खींचे पल्लो, मैं हूँ छम्मक छल्लो। क्या बात है सरदार, आज बड़ी तरंग में हो। अरे तरंग में मैं ना हूँ तो मेरे दुश्मन हो? आज डाके में कितना खूबसूरत और कीमती हार मेरे गले में पड़ा है। बिहार के डाकू रह गए दंग और पुलिस के चेहरे का उड़ गया रंग। तो सरदार, इसी खुशी में ठुमका लगाओ ठुमका, इनके जैसी कमर हिलाओ और बेढंगा नाच दिखाओ। अरे मैं ठुमका भी लगाऊंगी और इनके जैसी कमर हिलाकर भी तेरे अरमान को ठंडा करूंगी, लेकिन मैं अकेले नहीं नाचूंगी। मेरे साथ नाचेगी एक
नचनिया तुम मर्द हुए लोग उसकी उतार गए नथनिया हट ना जाने कब उतरेगी रे मेरी नथनिया हाँ ना जाने कब उतरेगी रे मेरी नथनिया मेरी नथनिया में ही रे जड़े हैं लोग बेदर्दी मेरे पीछे पड़े हैं हाथ किसके आएगी रे मेरी नथनिया हाँ ना जाने कब उतरेगी रे मेरी नथनिया ना जाने कब उतरेगी रे मेरी नथनिया जुल्म उठाएगी रे मेरी नथनिया कब तक जुल्म उठाएगी ये मेरी नथनिया न जाने कब उतरेगी रे तेरी नथनिया न जाने कब उतरेगी रे तेरी नथनिया कब उतरेगी रे तेरी नथनिया अजाने कब उतरेगी रे तेरी नथनिया मेरी नथनिया में ही रे जड़े हैं लोग बेदर्दी मेरे पीछे पड़े हैं हारे हाथ किसी के ना आएगी रे मेरी नथनिया हाथ किसी के ना आएगी रे मेरी नथनिया अजाने कब उतरेगी रे तेरी नथनिया अजाने कब उतरेगी रे तेरी नथनिया अजाने कब उतरेगी रे तेरी नथनिया जाने कब उतरेगी रे तेरी नथनिया जाने कब उतरेगी रे तेरी नथनिया सरदार वही नचनिया आपका हार उड़ाकर ले गई होगी अरे वो नचनिया आगे से लगा कि गुड़ पीछे से धनिया अरे मेरा हार ये रे इसको कीड़े पड़े रे सड़के मर रहे हलकट अभी तो यही थी कहां चली गई साली कसम मेरी बहन शब्बो कहीं तुम बचपन में बिछड़ी हुई बहन रामकली तो नहीं हो राम कसम
हम ही हैं रामकली। आओ हमरे गले से लग जाओ, देखो तो कितना खूबसूरत है हमारा मिलन। नहीं, हमारा ये मिलन खूबसूरत नहीं है। काश तुमसे मिलने के बजाय तुम्हारी मौत की खबर मुझे आती तो कितना अच्छा होता। क्यों, ऐसी क्या बुराई है हम में? तुम हो ना? हाँ हम है। होकर ये पूछती हो क्या बुराई है मुझ में? अरे बड़े से बड़ा पापी भी इस धरती के मिट्टी से बनता है, लेकिन लोग कहते हैं नरक की मिट्टी से बनती है, इसीलिए शोलों की तरह नाचती रहती है, सुहागनों से उनका सुहाग छीन लेती है और उनके छोटे छोटे बच्चों के मुंह से निवाला छीन लेती है, घुंघरुओं की छन छन से सबकी खुशी छीन लेती है। इसीलिए तू गले मिलने की नहीं नफरत करने के काबिल है। सोचा था जब तू मिलेगी दिल में भर लूंगी तुझे, सारे अरमान जलाकर राख कर दिए तूने। तुम डाकू हो ना? हाँ मैं डाकू हूं। लगता है तुम अपने आप को भगवान के माथे पर लगा हुआ तिलक समझ रही हो, तभी तो इतने गर्व से कह रही हो कि मैं डाकू हूं। अरे हम तो नरक की मिट्टी से बने हैं ना, लेकिन डाकू डाकू तो नफरत की मिट्टी से बनते हैं। अरे हम किसी को बुलाते नहीं हैं कि आओ आओ हमारा मुजरा देखो, लेकिन तुम तो बंद दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते हो। अरे हम तो लोगों को अपनी अदाएं दिखाकर लूटते हैं, लेकिन तुम तो उन्हें बंदूक की नोक पर लूटते हो। अरे इतनी गिरी हुई हो तुम कि जब लूटने पर आती हो तो सुहागनों की चूड़ियां और मंगलसूत्र तक लूटती हो। अरे हमरे घुंघरों की छन छन तो लोगों का दिल बहलाती है, लेकिन तुम्हारी गोलियों की धन धन तो लाशें गिरा देती है, लाशें। अरे हमने भी सोचा था कि जब तू मिलेगी तो दिल में भर लेंगे तुझे, लेकिन तेरे बदन से तो लाशों की बू आ रही है। निकल जा यहां से, निकल जा। अगर तू मेरे बाप की औलाद नहीं होती तो मैं मिटा डालती तुझको, और अगर मुझे मेरे बाप के कातिल की तलाश न होती तो मैं तुझे मारकर खुद को कानून के हवाले कर देती। उसकी तलाश तो मुझे भी है और वो मेरे ही हाथों मरेगा। नहीं, वो मेरा शिकार है, और अगर तू मेरे बीच में आई तो मैं तुझे मार डालूंगी। कौन मारेगा कौन मरेगा इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। क्या शोला भाई हार उड़ा कर ले गई? पहली बार ऐसा हुआ है कि शाकाल नाम के शेर के मुंह से किसी लोमड़ी ने शिकार छीना है। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ पता लगाओ कि शोला भाई कहां है। भैया अभी अभी खबर मिली है कि वो भागते भागते रामकली के यहां छुपी है। अच्छा, तब तो रामकली और शोला भाई के बीच में जरूर कोई रिश्ता होगा। ए कालिया, जाकर रामकली को उठा कर लेकर आ, वही हमें शोला भाई के ठिकाने का पता बताएगी। Thank you.
की चले, तू है राम कले। चंडो, तुम्हारी ये खिकी खिकी बंद करो और बताओ तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? डाकू महाकाल ने तुझे बुलाया है अपने ठिकाने पे मुजरा करने के लिए। चल हमारे साथ। उस बजर बट्टू को जाकर कह दे कि रामकली कोई किराए का टट्टू नहीं है जो लट्टू बनकर उसके इशारों पर नाचे। क्या? हाँ, जिसको हमारा मुजरा देखना हो ना वो ही आएगा। हम हमारा कुठा छोड़कर कहीं नहीं जाते। तू ऐसे नहीं मानेगी? तो फिर कैसे मानूंगी? तू ऐसे माने। चल हट। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक लड़की से मार खा के आ गए, इसीलिए खिला पिला के तुम लोगों को सांड बनाया मैंने। सरदार वो लड़की नहीं, हथौड़ा है। हाँ, इसीलिए उसने तुम लोगों को बुरी तरह से तोड़ा है। बकवास बंद करो, मुझे सोचने दो। क्या सोचने लगे भैया? मैं शोला भाई के बारे में सोच रहा हूं कुंदन, जिसने तुम दोनों के होते हुए हार उड़ा लिया। वो कोई मामूली लड़की नहीं है। आप फिक्र न करें भैया, मौका मिलते ही हम उसे खत्म कर देंगे। नहीं 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 कुंदन, धार वाली तलवार जो हमें जख्मी करे उसे तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसे हथियार बना के इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहते क्या है भैया? मैं शोला भाई को अपना गुलाम बनाना चाहता हूं। तुम दोनों एक काम करो, उसे ढूंढो, तलाश करो और लेकर आओ मेरे पास। जाओ। ठीक है भैया, चलो बे। अगले साले सरदार, सरदार ये लोग आपसे मिलने आए। किसकी शामत आई है जो शोला को मिलने आया है, जो जलती है पर दिखती नहीं? गली? उस आग में जलने आया है। अरे बाप रे, ये तो कोठों पर नाचने वाली रामकली है। रामकली मारती है तो बहुत दुखता है। चुप है टकले। मैं रामकली नहीं, शोला भाई हूँ, और अगर मेरे सामने रामकली का नाम लिया तो मौत की गली में दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी मैं। शोला भाई, हमारे बड़े भैया शाकाल तुमसे एक जरूरी काम लेना चाहते हैं। अगर दोस्ती करना चाहती हो तो ठाकुर शाकाल से मिलने सीतापुर की हवेली आ जाना। तुम लोग जाओ, मैं सोच समझ कर फैसला करूंगी मुझे आना है या नहीं आना है। कहाँ जा रही हो? है एक ठाकुर शाकाल, मुझसे कुछ काम है उसको, मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। तुम यहाँ अपने दुश्मनों की तलाश करने आई हो या डाकुओं का काम करने आई हो? सुई अगर झोपड़ी में गुम हो जाए तो उसे झोपड़ी में ही ढूंढना चाहिए, पहाड़ों में नहीं। मेरे माँ बाप का कातिल एक डाकू था, और सुना है डाकुओं की दोस्ती ठाकुरों से होती है। शोला भाई बहुत समझदार हो, जाओ, मेरे दुआएं तुम्हारे साथ हैं, जाओ। शोला भाई, हमें पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगी। कहो तो काम की बात करें। काम ही की तो बात करने आई हूं मैं। मशहूर करोड़पति सेठ दीनदयाल को तो तुम जानती होगी। जानती हूं। उसके पास 5,00,000 रुपए का एक बहुत ही कीमती हार है। मुझे पता है। वो हार तुम्हें उड़ाना है, मगर एक मुश्किल है। कैसी मुश्किल?
दीनदयाल की हवेली के आसपास पुलिस का कड़ा पहरा है। उस हार को हासिल करने के लिए कई डाकू अपनी जान से हाथ धो बैठे। मैं अपनी जान की परवाह नहीं करती। खतरों से खेलना तो मेरा पेशा है। तुम लोग बेकार की बातें छोड़ो और ये बताओ मेरे काम की कीमत क्या मिलेगी। कीमत मांगती है हमसे? 1,00,000 रुपया, 50,000 पेशगी और 50,000 काम होने के बाद। पत्थरों पर रेंगने वाली जलील चींटी, हमसे कीमत मांगती है तू? जो हमसे कीमत मांगता है उसका सर धड़ से अलग किया जाए। इस कंधों पर वही सर है जो कटना जानता है, झुकना नहीं। ओए! रुक जाओ शोला भाई। तुम वाकई एक बहादुर लड़की हो। अपने मान सम्मान पर मर मिटने वाली लड़की हो तुम। तुमसे मिलके हम बहुत खुश हुए। हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। देर मत करो शोला भाई, नसीब वालों को शाकाल से दोस्ती का हाथ मिलाने का मौका मिलता है। और भैया, भैया ये क्या कर रहे हैं? कुंदन, हमारे यहां पर हुनर की कदर एक जोहरी की तरह होती है, लोहार की तरह नहीं। हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं शोला भाई। ये लो 50,000, बाकी का काम हो जाने के बाद हम तुम्हें बताएंगे रास्ता कि हार किस तरह उड़ाना चाहिए। मैं किसी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलती। मैं अपनी जान पर खेलकर खुद अपनी मंजिल पाना जानती हूँ। आखिर तुम बिरजू से क्यों मिलना चाहती हो? मुझे उसे अपने माँ बाप के कातिल का पता पूछना है। जिसने पुलिस को कुछ नहीं बताया वो तुम्हें क्या बताएगा? मुझे आप सिर्फ इतना बताइए जेलर साहब कि वो जेल से रिहा कब हो रहा है। ये उसकी सजा का आखिरी साल है, 15 अगस्त को रिहा हो जाएगा। 15 अगस्त? रामकली और यहाँ जेल में? अरे बेटी, अच्छा हुआ तू आ गई। मुझे जेलर साहब ने अभी भी बताया कि जो लड़की मुझसे बुरके में मिलने आती थी वो कौन है। कौन है वो बाबा? वही पेंटिंग बनाने वाले अपने मोहनलाल की बेटी, यानी कि तुम्हारी खोई हुई बहन। वो डाकू, नफरत करते हैं हम उससे। हमें सिर्फ इतना ही पता है बाबा कि हमें अपने दुश्मनों का नाश करना है हमारे हाथों से, जिन्हें सिर्फ आप जानते हैं। बेटी, एक बार तू मुझे बाहर आ जाने दे, उसके बाद मैं उसे ढूंढकर तेरे हवाले तो कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी कीमत वसूल करूंगा। अपनी जिंदगी के 15 सालों की जो मैंने जेल में गुजारे हैं। कहां से आ रहे हो सरदार? मैं जेल से आ रही हूं। बिरजू से भेंट हुई कि नहीं? वो बहुत जल्द छूटने वाला है और फिर उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। सरदार, तुमने तो अपनी कहानी जागीरा को सुना दी, मगर जागीरा से तो पूछो कि उसकी कहानी क्या है। आपने मेरी तबाही की कहानी तो सुन ली, लेकिन आपके साथ क्या हुआ था कि आप डाकू बन गए? ये तब की बात है जब मैं मिर्जापुर थाने में थानेदार था। यहाँ के ठाकुर ही डाकू हैं। थानेदार साहब, थानेदार साहब, गांव में डाकू ने हल्ला बोल दिया। क्यों दो मुंह के सांप, मौत को सामने देखकर कांप रहा है? तूने हमारी रोटी खाई और हमारी मुखबरी की? नहीं सरदार। आज हम बंदूक की गोली से तेरा सीना भर देंगे। तुम्हारी बंदूकें उड़ाने के बजाय गोली तुम्हारे सीने के पार भी हो सकती थी। अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना लाशों के ढेर बिछा दूंगा
तू अपना शौक खुशी से पूरा कर ले, मगर जब हम अपना शौक पूरा करने पर आएंगे तो तेरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। तू आंख वाला होकर भी अंधा बन जाएगा और तुझे अपनी तबाही के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। क्यों नजर आया? चलो। किसने मेरे भाइयों को गिरफ्तार किया है? ए भौंकना नहीं, आवाज नीचे। ये पुलिस स्टेशन है, कोई सब्जी मंडी नहीं। लगता है तो मुझे जानते नहीं इंस्पेक्टर। मैं ठाकुर विकराल सिंह हूँ। यहाँ से कोसों दूर तक मेरे नाम का डंका बजता है। कोसों दूर तक तुम्हारे नाम का डंका नहीं, तुम लोगों ने गुंडागिरी खूब की है। थानेदार, मेरे भाइयों को छोड़ दो। सीधा खड़ा रहो, सीधा खड़ा रहो। तेरा भाई डाकू है, तेरा बाप भी डाकू होता ना तो उसे भी मैं नहीं छोड़ता। क्या नाम है तुम्हारा? ठाकुर विकराल सिंह। ठाकुर विकराल सिंह, तुम्हारी आंखें डाकू महाकाल से बहुत मिलती हैं। कहीं तुम महाकाल तो नहीं? सिर्फ आंखें ही मिलती है ना इंस्पेक्टर। जिस दिन सबूत हाथ लग जाए उस दिन मुझे पकड़ लेना। एक की बजाय दो दो चश्मे भी लगा लोगे ना तो बचोगे नहीं। जा सकते हो। ये मामा ना जाने कहां मर गया। कैसा जमाना आ गया है, दो टके का थानेदार मुझे ठाकुर विकराल सिंह को आंखें दिखाता है और ये शकुनी मामा हमेशा दिल्ली के चक्कर काटता है। क्या बात है भांजे? आ गए शकुनी मामा, कहां मर गए थे? क्यों उस दूध की तरह गर्म हो रहे हो जो उबाल खा के बर्तन के बाहर आ जाता है और चूल्हे को बुझा देता है? है एक जागीरा नाम का पुलिस वाला मामा, बहुत अकड़ रहा था। जी तो चाहता है कि थाने में घुसकर उसकी लाश गिरा दूं। यहाँ तुम एक मामूली पुलिस ऑफिसर से जूझ रहे हो, वहां दिल्ली में सीबीआई ने ठाकुर विकराल सिंह के काले कारनामों की फाइल बना रखी है। क्या बक रहे हो मामा? हाँ, यूं समझ लो पूरी तलवार लटक रही तुम्हारी गर्दन पे। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे ठाकुर विकराल सिंह का चोला उतार के फेंक देना पड़ेगा और किसी और का रूप धारण करना होगा। जो करना है भांजे जल्दी कर लो, अगर सीबीआई ने तुम्हें धर दबोचा ना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे दिमाग में एक चाल आई है मामा, मेरे बदन से खून का एक कतरा भी नहीं गिरेगा और किसी और का दामन मेरे खून से इतना दागदार हो जाएगा कि वो फांसी पे चढ़ जाएगा। बहुत अच्छे भांजे। जागीरा साहब, नमस्कार। अरे झगड़ा हमारा कल हुआ, आज भी गुस्सा नाक पर है? तो गुस्सा कान पर रखो। कानून से खिलवाड़ करने वालों को जब मैं देखता हूँ ना मेरा खून खोल जाता है। देखिए एक बात सुनिए, देखिए कानून की खिदमत करने के लिए आपको मिलते हैं हर महीने के 2,000 रुपए। मैं आपको कुछ नहीं करने के हर महीने के 30,000 रुपए दूंगा। हाँ, रिश्वत की गाली नहीं देना वरना गोली सीने का पार कर दूंगा बंदूक की। अरे कमीने, अरे देखा आप लोगों ने, मुझसे रिश्वत मांग रहा पुलिस वाला, मैं मना कर रहा हूँ तो बंदूक निकल के मुझे मारने की धमकी दे रहा है। अरे क्या जमाना आ गया है, शरीफों को तो गांव में रहना मुश्किल हो गया है। मैं तो गांव छोड़कर चला जाऊंगा। झूठ बोलता है। चला जाऊंगा इस गांव से। मैं तो चला जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा इस गांव में। चुप रह। देखो देखो रिश्वत खाई है। देखिए आज लोगों के सामने आपने विकराल को मारकर अच्छा नहीं किया। भैया जिस दिन हम यहाँ पर आए थे उसी दिन हमें इन सारे गाँव वालों ने बता दिया था कि विकराल एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। देखिए जो विकराल से दुश्मनी मोल लेता है वो उसे और उसके पूरे खानदान को खत्म कर देता है। तो आप चाहते हैं कि मैं छिपकर घर में रहने लगूं या यहाँ से अपनी बदली करवा लूं? संतो मैंने यहाँ अपनी ड्यूटी इसलिए लगवाई है कि मुझे उन लोगों को खत्म करना है और जब तक उन लोगों को खत्म नहीं करूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस पत्थर से इसका चेहरा कुचल दो ताकि इसके चेहरे की पहचान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैं भी आता हूं। ठीक है भांजे।
ये लो मामा, मेरे कपड़े से पहना दो। लोग समझेंगे कि ठाकुर विकराल सिंह मर गया और इल्जाम आएगा थानेदार जागीरा सिंह पर। आज से विकराल सिंह खत्म, जिंदा रहेगा डाकू महाकाल। विकराल सिंह मारा गया कब? कल रात। मैं तुम्हें ठाकुर विकराल सिंह के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। एक पुलिस वाला किसी का खून कैसे कर सकता है? जागीर सिंह, सारा गांव तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहा है। कल तुमने उसे जान से मार डालने की धमकी दी और कल रात उसे जान से मार डाला तुमने। जागीर सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। रंजीत सिंह, पुलिस डिपार्टमेंट में होकर तुम विकराल सिंह को समझ नहीं पाए। बड़ा ही मक्कार आदमी है वो मरा नहीं होगा, जरूर उसने कोई चाल चली होगी। खैर, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। अरे फिक्र मत करो, मैं सच्चा हूं ना तो कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। चलिए चलिए। कौन है तू? मैं आज मैं डाकू महाकाल हूं, कल तक विकराल सिंह था। वही विकराल सिंह जिसके खून के जुर्म में तेरे पति को फांसी की सजा हुई है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं तुझे। हट! साहब साहब, जागीरा लॉकअप से भाग गया। जागीरा लॉकअप से भाग गया? शीला, शीला, ये क्या हो गया? शीला, किसने किया सब? मैंने आपसे कहा था ना कि विकराल सिंह से दुश्मनी मोल मत लीजिए। उसके भाइयों ने शीला का बलात्कार किया और उसे मार डाला और मुझे भी गोली मार दी। विकराल, मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरे चीखे बरसों लोगों के कानों में चीखती रहेंगी। तू बचेगा नहीं विकराल। आज भी उसकी शक्ल मेरी आंखों में घूमती है। शाकाल बनने के बाद डाकू महाकाल को कानून भूल चुका होगा, लेकिन जागीरा की निगाहों में महाकाल की शक्ल अब भी घूम रही होगी। वो मुझे अब भी तलाश कर रहा होगा, मगर उसकी तलाश खत्म करने के लिए हमें डाकू महाकाल की मौत का ढोंग रचाना पड़ेगा। मगर ये होगा कैसे बड़े भाई? मेरी शैतानी खोपड़ी में एक छोटी सी झोपड़ी है, उसमें एक अजीब सी तरकीब है। मेरी बात समझ गया ना भीमा? कैसी बात करते हो मंगल सिंह? क्या तुम चाहते हो कि मैं महाकाल के कपड़े पहन के जंगल में छुप जाऊं? तुम मुझे उसके बदले में 5,000 रुपए दोगे? आखिर उसमें तुम्हारा फायदा क्या है? तुम नहीं समझोगे भीमा, तुम आम गिनने के बजाय पेड़ गिनने लगे। चलो छोड़ो ये काम, मैं किसी और से करवा लूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ। 5,000 के बदले में आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। तो फिर महाकाल के कपड़े पहनकर जंगल में छुप जाओ। क्या? हाँ साहब, ये खबर सच है कि डाकू महाकाल जंगलों में छुपा हुआ है। वो देखिए, वो रहा महाकाल। महाकाल रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। अरे महाकाल मारा गया, लेकिन इसके चेहरे पे इतनी गोलियां लगी हैं कि इसे पहचानना मुश्किल हो गया है। अब कैसे पता चलेगा कि मरने वाला महाकाल है या कोई और है? साहब, अगर महाकाल की लाश को मुझे दिखाया जाना तो मैं महाकाल की लाश को देख करके इतना जरूर बता सकता हूँ कि वो लाश महाकाल की है या किसी और की। अरे पागल, उसके चेहरे पे इतनी गोलियां लगी हैं कि पहचानना ही मुश्किल है। साहब, महाकाल पुलिस को चकमा दे सकता है लेकिन बिरजू को नहीं।
मैंने पहले ही कहा था इसकी शक्ल सूरत बिल्कुल बिगड़ चुकी है। एक मिनट साहब। इसके पैर में चिंगुलिया नहीं है, इसका मतलब है महाकाल जिंदा है। ठीक है, आपने ठीक कहा साहब, महाकाल मर चुका है। सरदार सरदार, खबर मिली है कि महाकाल नाम का डाकू मारा गया। ना भीड़ों में गोलियों की आवाज गूंजी और ना बम के धमाके हुए। इतना बड़ा डाकू खामोश मौत मर गया। मुझे तो ये कोई चाल लगती है। वो मरा वरा नहीं होगा, उसने ये खबर धोखा देने के लिए उड़ाई है। हो गया हो गया। ठाकुर विकराल सिंह की तरह कानून की किताबों में डाकू महाकाल भी मर गया। और ये खबर सुनकर जागीरा को यकीन हो गया होगा कि डाकू महाकाल सचमुच मर गया। बेचारा पत्थरों पर सर पटक पटक कर रो रहा होगा कि अब वो बदला किससे लेगा। कुंदन मंगल, मालूम है तुम्हें, जागीरा पागल हो जाएगा। और डाका डालने के लिए वो गांव में घोड़े के बजाय साइकिल पर बैठ कर आएगा। भांजे, विकराल के बाद महाकाल की मौत का ढोंग रचाकर तुमने अपने आप को एक बार फिर कानून से तो बचा लिया, लेकिन तुम्हारे जुर्मों पे पर्दा डालने के लिए मैंने जो तुमसे सेठ रामदयाल का हार मांगा था वो तो तुमने अभी तक मुझे नहीं दिया। मामा, एक डाकू शोला भाई है, वो बहुत जल्द डाका डाल के सेठ रामदयाल का हार उड़ा देगी और वो हार मैं तुम्हें दे दूंगा। भरोसा रखो मुझ पे। ठीक है, चलेगा। खबर तो मिल चुकी कि डाकू शोला भाई ने वो हार उड़ा दिया, लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? आ जाएगी भांजे, आ जाएगी। वो एक सच्ची डाकू है और डाकुओं की कहावत तो तुमने सुनी होगी, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो आती ही होगी। शाकाल। शोला भाई। ये लो शाकाल सिंह, और मेरी बाकी की रकम मुझे दे दो। मुझे मेरा हार मिल गया, तुम्हें तुम्हारी रकम मिल गई, लेकिन तुम्हें तुम्हारा वो अनदेखा दुश्मन मिला कि नहीं मिला? आज नहीं तो कल मिल जाएगा। वो अपने कफन के साथ जल जाएगा, मगर न जाने वो वक्त कब आएगा। बेचारी दुश्मन के तलाश में भटक रही है, दिल में इंतकाम की आग लिए और आंख में आंसू लिए। ये क्या है तुम्हारी आंखों में आंसू? शोलों पे पानी पड़ जाए तो आग बुझ जाती है, और तुम्हारे बदले की आग बुझनी नहीं चाहिए? दुखों के जो पहाड़ मुझ पर टूट कर बरस रहे हैं,
जो दुख मुझे हो रहा है, अगर वो आज नर्क को भी होता ना, तो नर्क भी चीख कर रो पड़ता। न जाने कब मिलेंगे मुझे मेरे दुश्मन, कब खत्म करूंगी मैं उन्हें। तुम फिक्र मत करो, जिस दिन वो मेरे जकड़ में आ गए, बचेंगे नहीं। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कभी मत करना। लेकिन क्यों? क्या आप अपनी बहन और पत्नी के कातिलों का खून मेरे हाथों होते हुए देख सकते हो? समझ गया, जब तक तुम अपने माँ बाप का बदला अपने हाथों से नहीं लोगी, तुम्हारे बदले की आग बुझेगी नहीं। ये आग जरूर बुझेगी। अरे भाई, लेकिन ये आग बुझेगी कैसे? रामकली के शबाब को नोच कर बुझेगी ये आग। ओए, रामकली को उठाकर लाओ। अब तुम कैसी हो? क्या सोच रही? मैं वो, देखो कोई गलत बात मत सोचना, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से तुम अपनी नजरों से गिर जाओ। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है। मेरी हमदर्दी को गलत नाम मत देना। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शंकर है। क्या करते हो तुम? अपने बहन के कातिल की तलाश। बहन का कातिल? वो कौन है? ठाकुर विकराल सिंह। ठाकुर विकराल सिंह? लेकिन उसने तुम्हारी बहन को क्यों मारा? मेरे बहन के खेतों में बहुत अच्छी फसल हुआ करती थी, जिसे ठाकुर विकराल सिंह खरीदना चाहता था और खरीद कर उसमें नशीली चीजें उगवाना चाहता था। हमने हमारी खेती बेचने से इनकार कर दिया और एक दिन जब मैं शहर से लौटा तो मुझे पता चला कि ठाकुर विकराल सिंह ने मेरी बहन को उठवा ली। छोड़ो मुझे। ए लड़की, इनका कागजात पर दस्तखत करके अपने खेत हमें बेच दे। नहीं, मैं इन कागजों पर दस्तखत नहीं करूंगी। हम किसान अपने खेतों में अनाज उगाकर लोगों को जिंदगी देते हैं और तुम इन खेतों में जहरीली चीजें उगाकर लोगों को मौत बांटना चाहते हो? मैं इस पे साइन हरगिज नहीं करूंगी। अच्छा, जी तो जी नहीं करेगी? नहीं। तो मरने के बाद अंगूठा लगा लेंगे। मामा, लगा ले अंगूठा। ठाकुर, बहन को मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस चाकू से तूने मेरी बहन का खून बहाया है, अब इसी चाकू से मैं तेरा खून करूंगा। अगर जरा भी हरकत की तो गोली मार दूंगा शंकर। अरे मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, ये ठाकुर ने मेरी बहन का खून किया है। चाकू तुम्हारे हाथ में है और तुम शरीफ ठाकुर पर इल्जाम लगाते हो? ले जाओ इसे। चलो बेकसूर इंस्पेक्टर, इस ठाकुर ने मेरी बहन का खून किया। इंस्पेक्टर बेकसूर हूँ। ठाकुर विकराल सिंह की साजिश और उसके मामा की झूठी गवाही की वजह से मुझे उम्र कैद हो गई, मगर इंतकाम लेने के लिए मैं जेल से भाग आया। ठाकुर तू कितने भी रूप और कितने भी रंग बदल ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओ केले सिंह, ओ बाहर निकल, तुझे थकेला बनाता हूं। जो दिन रात सोता रहता है वो बनाता हूं। तूने मेरे भाई की कढ़ाई के अंदर कट्ठा घुसा दिया, जहां उंगली नहीं घुसती थी वहां पर्चा घुसा दिया। बाहर निकलो, तेरी जात का पेजा मारू। ठंडन सिंह, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे दिमाग के अंदर जो गुस्से का कीचड़ जमा है उसे साफ कर दो। नहीं, तूने जो किया है उसका हर जाना तेरे को पढ़ना पड़ेगा। और अगर अरजाना नहीं पड़ा तो तेरे को मेरी बंदूक से मरना पड़ेगा। खबरदार धनधन सिंह, मेरे अकेले को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
तुमने ठंडन सिंह को ललकारा है? अब मैं तेरे को खनखनाऊंगा, उसके बाद बन बनाऊंगा, उसके बाद दिया बनाकर तेरे को दिन रात जलाऊंगा। मैं तेरी उस वक्त हो सकती हूँ जब तुम मुझे कवाली में हरा दोगे। मैं तुझे खोटा सवाल करूंगी, तुम उसका खरा जवाब दोगे। मैं तुझे खरा भी दूंगा और हरा भी दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? कि कवाली में सवाल और जवाब शराब में होगा। शराब पीने का अंजाम बुरा होता है, शराब बस शराब का गुलाम होता है। शराब पीता हूँ, पीने का मजा लेता हूँ, पीने के बाद बस मैं तेरा नाम लेता हूँ। शराबी हूँ मैं तो जाऊंगा मैं खाने में, शराब के सिवा क्या रखा है जमाने में। शराब के सिवा क्या रखा है जमाने में, सभी को आजमा के देखा इस जमाने में। सुकून मुझको मिला है फकत पैमाने में, सुकून मुझको मिला है फकत पैमाने में। तो मर्दों का काम होता है, बदनाम होता है जो उसका नाम होता है। शराब चीज है अच्छी मैं सबसे कहता हूँ, पीने के बाद बस मैं तेरा नाम लेता हूँ। शराब चीज है अच्छी मैं सबसे कहता हूँ, पीने के बाद बस मैं तेरा नाम लेता हूँ। शराब पीता है जो सुबह शाम ढोता है, शराब बस शराब का गुलाम होता है। शराब पीता है जो सुबह शाम ढोता है, शराब बस शराब का गुलाम होता है। शराब पीता हूँ पीने का मजा लेता हूँ, पीने के बाद बस मैं तेरा नाम लेता हूँ। छोड़ दूं बदला कैसे, अपनी बोतल गिलास छोड़ दूं बदला कैसे, अपनी बोतल गिलास छोड़ दूं बदला कैसे। शराब पीने से है रंग जिंदगानी में, तू ये कहती है सुन क्या रखा है इस पानी में। तू ये कहती है सुन क्या रखा है इस पानी में। मुझे पता क्या इस पानी में कितनी खूबी है, मैं अकेला नहीं दुनिया ही इसमें डूबी है। मैं तो हर रोज सुबह शाम जाम पीता हूँ, पीने के बाद बस मैं तेरा नाम लेता हूँ। मैं तो हर रोज सुबह शाम जाम पीता हूँ, पीने के बाद बस मैं तेरा नाम लेता हूँ। शराब पीने का अंजाम बुरा होता है, देखो ना ऐसे झगड़ना, देखो ना ऐसे झगड़ना। शराब पीने
का मजा लेता हूँ, पीने के बाद बस मैं तेरा नाम लेता हूँ। शराब पीने का अंजाम बुरा होता है, शराब बस शराब का गुनाम होता है। शराब पीता हूँ पीने का मजा लेता हूँ, पीने के बाद बस मैं तेरा नाम लेता हूँ। आज तेरी लाश गिरेगी मामा, तेरी झूठी गवाही ने जो मेरी जिंदगी में कांटे बोए हैं, आज वही कांटे तेरी मौत का कारण बनेंगे। अगर तूने दोबारा मुझ पे हाथ उठाया ना, हाथ उठाऊंगा दोबारा नहीं, 100 बार उठाऊंगा, और इस तरह उठाऊंगा कि तू दुनिया से उठ जाएगा। ये तो मर गया। तो बस एक बार ठाकुर विकराल मिल जाए। खड़े खड़े क्या घूर रहा है? जानता नहीं कि मैं कौन हूं? शाकाल, हट जा रास्ते से वरना कुचल दूंगा। तुम कौन हो ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो, और आज मैं भी जान गया हूं तुम जो भी हो, मुझसे बचकर नहीं जाओगे। कितने चश्मे बदलोगे, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। बाहर निकल। छोड़ो, जल्द से मार दूंगा। हाँ सर, छोड़ो। जागीरा, छोड़ दो शकाल साहब को और अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना तुम मारे जाओगे। चलो ले चलो इसे, चलो। अपने आप को बहुत अकलमंद समझता है, अपनी आंखों को चील की आंखें समझता है, और अपने कानों को कौवे के कान समझता है। किसकी बात कर रहे हैं भैया? अरे यार, उसी जागीरा की। उसका मेरा सामना हो गया था, वो मुझे पहचान गया था। फिर क्या हुआ भैया? वो मुझे मार देता। अच्छा हुआ एन वक्त पुलिस आ गई, उसे गिरफ्तार कर लिया। अरे वाह, अब तो मारा गया बेचारा जागीरा, जेल में सड़ सड़ कर मर जाएगा। जागीरा को पुलिस पकड़ कर क्या समझती है कि उसने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है? अरे वो शोला बाई का दोस्त है, और शोला बाई के साथी को पुलिस ज्यादा देर अपने कब्जे में नहीं रख सकती। जागीरा को हमने पकड़ लिया है, लेकिन अब डाकू शोला बाई को भी नहीं छोड़ेंगे। चलो मेरे साथ। पुलिस, मुझे जूस ले लो जल्दी। Thank you.
पीछा करो। अभी तबीयत कैसी है तुम्हारी? कौन हो तुम? अच्छा, मौत के मुंह से निकलते ही मजाक करने लगी हो? बाकी बहुत हिम्मत वाली लड़की हो तुम, इसीलिए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार? हाँ, देखो ना मत कहना, ना कहोगी तो मेरा दिल टूट जाएगा और मैं जी नहीं पाऊंगा। अरे हम तो समझे थे सरदार शोला भाई मर चुकी है, लेकिन खबर मिली है कि सरदार तो जिंदा। सरदार शोला भाई जिंदा है? हाँ। तो चलो तलाश करते हैं। हाँ चलो। हाँ, चलो। डाकू शोला भाई हमारे हाथ से निकल चुकी है, पता नहीं कहाँ छुपी है। साहब साहब, मैं अभी देख के आ रहा हूँ, डाकू शोला भाई भेस बदल कर रामकली बन गई। अच्छा, तो चलो हमारे साथ। छोला भाई, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अबे ओ दरोगा बाबू, खोपड़ियों में अक्कल की जगह भैंस का गोबर भरा हुआ है क्या कि हमको छोला भाई बोल रहे हैं? अरे हम तो मुजरा करने वाली रामकली है, छोला भाई तो हमारी जुड़वा बहन शब्बो है। छोला भाई झूठ मत बोलो, रामकली का भेस बदल कर तुम बच नहीं सकती। हमारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, कानून तुम्हें फांसी से कम की सजा नहीं देगा। ये लो, करे कोई भरे कोई, मारे कोई मरे कोई, अच्छा इंसाफ है तुम्हारी कानून का। इसीलिए तो कहते हैं कि कानून अंधा होता है, मगर हम कानून के फंदे में फंसने वाले नहीं है। हाँ, हम तो यहाँ हमारे माँ बाप के कातिलों को ढूंढने आए हैं, और जब तक हमारे माँ बाप का कातिल हम नहीं ढूंढ ले, हमको ना कानून छू सकता है और ना मौत आ सकती है। वो देखो शोला भाई। चलो उधर देखते हैं। न जाने हमारा सरदार कहां गुम हो गया। अरे ये रही हमारी सरदार। सरदार, सरदार, अरे सरदार आप कहां चली गई थी, हम आपको कब से खोज रहे थे। नहीं, ये हमारा सरदार शोला भाई नहीं हो सकती, इसने तो नचने के कपड़े पहन रखे हैं। अरे तुम जानते नहीं हो, सरदार ने पुलिस को चकमा देने के लिए भेस बदला होगा। ये शोला भाई की साथी है और ये मुझे शोला भाई समझ रहे हैं। क्या सोच रही हो सरदार, जल्दी से चलो इससे पहले यहाँ पुलिस आ जाए। ठिकाने पर चलकर कपड़े बदल लेना। पुलिस से बचने के लिए मुझे शोला भाई बनना होगा। ठीक है चलो। चलो इसने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, लगता है ये मुझसे प्यार करता है। आ, 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 आपके सर पे सांप था। मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ मेरी प्यारी प्यारी रामकली।
रामकली? ये मुझे रामकली समझ रहा है, ये तो रामकली से प्यार करता है, लेकिन मैं रामकली नहीं हूं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। रामकली, माँ, ये तूने मुझे किस दुराहे पर खड़ा कर दिया? मैं तो बस अपने इंतकाम के लिए जी रही थी। इस दिल ने कब से प्यार करना सीख लिया? नहीं माँ, गोलियां चलाने वालों को और लाशें गिराने वालों को प्यार करने का अधिकार नहीं हो सकता। मुझे तो सिर्फ इंतकाम लेना है और इंतजार करना है उस गोली का जिस पर मेरा नाम लिखा है। बस माँ, बस मुझे सिर्फ बिरजू से मिला दे माँ। मैं बिरजू से मिलने के लिए 10 साल से इस जेल के चक्करे काट रही हूँ। आपने कहा था कि 15 अगस्त को वो रिहा होगा। कल सारी रात मैं नहीं सोई और आज जैसे जेल के दरवाजे खोले तो मैं अंदर आ गई और आप मुझे आज ये बोल रहे हैं कि बिरजू को आपने 2 दिन पहले छोड़ दिया। अब आप ही बताइए जेलर साहब कि मेरे पिता मोहनलाल के कातिल का पता मुझे कौन बताएगा? बिरजू ने कहा था कि उसकी रिहाई होते ही उसके गिरोह के लोग उसे मार डालेंगे, इसलिए उसकी तारीख 2 दिन बाद की बताई थी। वही मैंने किया। आपने मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है जेलर साहब। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मेरे अलावा और कौन कौन उससे मिलने आता था? आते तो बहुत लोग थे पर वो किसी से मिलता नहीं था। मुझे बिरजू को तलाश करना होगा। रामकली, रामकली। बिरजू मियां, आप जेल से कब छूट कर आए? जुम्मन मियां, मैं तो जेल से आ गया, लेकिन मेरी बेटी रामकली कहां गई? न जाने रामकली कहां चली गई। न जाने कहां चली गई, न जाने मेरी बेटी कहां होगी और किस हाल में होगी। रामकली, मैं हूँ रामकली। सरदार, हमें तो शक है कि तुम डाकू शोलाबाई नहीं हो बल्कि रामकली हो। मैं शोलाबाई हूँ, शोलाबाई। जिसने मुझे रामकली बोला उसने अपनी मौत का दरवाजा खोला। रामकली, रामकली। ए छुकरिया, तुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि हम अपने आप को आईने में देख रहे हैं। कौन है रे तू? रामकली, शोलाबाई तू नहीं, शोलाबाई मैं हूं। मैं रामकली, नाटक मत कर और ना ही अपने चेहरे का फायदा उठाकर शोलाबाई बनने की कोशिश कर। मैं बन नहीं रही हूँ, मैं तो शोलाबाई ही हूँ। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि मेरे गिरे के लोग मुझे शोलाबाई कहकर पुकारते हैं। क्यों साथियों, तुम लोग अपने सरदार को नहीं पहचानते? हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि असली कौन है और नकली कौन है। हाँ, अगर दोनों में मुकाबला हो जाए तो जो जीतेगी वही हमारी सरदार होगी। ठीक है, ये शर्त मुझे मंजूर है, मुझे भी मंजूर है। मानेगी या मरेगी? उठ रामकली, उठ। शोलाबाई तुम जीत गई, रामकली हार गई। आज से तुम ही हमारी सरदार हो। बोलो शोलाबाई की जय। शोलाबाई की जय। सरदार शोलाबाई की जय। सरदार शोलाबाई की जय। सरदार शोलाबाई की जय। चलो सरदार, छोड़ दो इसे, चलो। रामकली शोलाबाई बन गई है तो मैं रामकली बनकर कोठे पर जाऊंगी, शायद बिरजू मुझे वहां मिल जाए। रुक जाओ बिरजू,
बिरजू, बरसों मैंने तेरा इंतजार किया। जेल गई तो पता चला कि तू रिहा हो गया। तुझे ढूंढते ढूंढते मैं यहां तक पहुंची। तुम रामकली की बहन शब्बो हो? शब्बो चोला बदलकर शोला बन गई है। बता बता, मेरे माँ बाप का कातिल कौन है? बेटी, वो कमीना महाकाल है जो हमेशा चेहरे बदलता रहता है। न जाने इस वक्त वो किस रूप में और कहाँ होगा। उसे पहचानने के लिए कोई तो निशानी होगी। निशानी? निशानी है बेटी, उसके उल्टे पैर में 6 उंगलियां हैं। उसके उल्टे पैर में 6 उंगलियां? हाँ, 6 उंगलियां। बस अब मेरी तलाश होगी उस मौत का नंगा नाच नाचने वाले छंगे की। बेटी, मैं भी उस कमीनी की तलाश में हूं, और अपना हिसाब चुकाने के बाद उसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और सुनाओ बिरजू चाचा, क्या कर रहे हो? मुझे किसी की तलाश है। किसकी तलाश? एक ऐसे आदमी की मंगलू जिसके पैर में 6 उंगलियां हैं। अरे हाँ, याद आया, मंगलू भाई, तुम्हारे पास तो लोग जूते चप्पल बनवाने आते ही होंगे। आते हैं, और तुम्हारी नजर उनके पैरों पर तो पड़ती होगी। भाई पड़ती है बिल्कुल। क्या किसी ऐसे आदमी के पैरों के ऊपर तुम्हारी नजर पड़ी जिसके पैरों में 6 उंगलियां हो? 6 उंगलियां? अरे हाँ, याद आया, अपने गांव के जो ठाकुर शाकाल हैं, उनके पैर में 6 उंगलियां हैं। क्या ठाकुर शाकाल के पैरों में 6 उंगलियां? हेलो, कौन बोल रहा है? बिरजू। बिरजू? बिरजू? हाँ बिरजू। महाकाल उर्फ शाकाल, मैं बिरजू बोल रहा हूँ। अरे बिरजू मेरे यार, कैसे हो भाई? इन बातों से कोई फायदा नहीं शाकाल, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि मोहनलाल और उसकी पत्नी का खून करने के बाद पुलिस को तुम्हारी उंगलियों के निशान मिल गए। मेरी जुबान खुलने की देर है, उसके बाद तुम फांसी के फंदे पर लटकोगे। फांसी पर चढ़ाओगे? अच्छा, कितना चाहिए? 1-2 लाख? लाख 2 लाख नहीं शाकाल, मुझे पूरे 15 लाख चाहिए। 15 लाख? अच्छा ठीक है, पैसे लेने कब आओगे? शाकाल मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अगर मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम मुझे मार डालोगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। रकम तुम्हें भिजवानी पड़ेगी मेरे पास, ये मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगा कि रकम तुम्हें कहां और किस जगह भेजती है। ठीक है, बेवकूफ कहीं का मोबाइल पे फोन करता है और यह भी नहीं जानता कि करने वाले का नंबर यहां आ जाता है। पता लगाओ कि नंबर कहां का है और किसका है। अब वक्त आ गया है बदला लेने का। अब मैं शोला बाई को उसके मां बाप के कातिल का पता बता देता हूं। शोला बाई, तुम्हारे मां बाप का कातिल शाकाल है, उससे बदला लेने से पहले मुझसे मिल लेना। बिरजू। महाकाल, मैं बिरजू बोल रहा हूं, रकम तैयार है? पैसे की जगह मौत तेरे दरवाजे पर आकर खड़ी है, मुंडी उठा के देख, तेरी कुंडी घूम जाएगी। क्या बिरजू? इसे सरदार के पास ले जाना चाहिए। शोला भाई, तुम्हारे माँ बाप का कातिल शाकाल है, उससे बदला लेने से पहले मुझसे मिल लेना। बिरजू। वाह वाह वाह, शोला भाई हमारे सामने रही और हमें ढूंढती रही, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। सरदार, सरदार, बिरजू मर गया। क्या? बिरजू की जिंदगी का चिराग दुश्मनों ने बुझाकर अंधेरा कर दिया, लेकिन वो नहीं जानते कि मेरे दिल में जो इंतकाम का चिराग जल रहा है,
उसकी रोशनी मुझे उन तक जरूर ले जाएगी। अंकली शंकर, ये क्या सर पे चोट? ये क्या इत्तेफाक है? जब भी तुम मुझे मिलती हो या तो बेहोशी के आलम में या तो जख्मी मिलती हो। अभी दो दिन पहले मैंने तुम्हारी बाजू से गोली निकाली। मेरे बाजू से? मुझे कोई गोली नहीं लगी। अरे हाँ, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे बाजू से गोली निकाली। शंकर, गोली तुमने रामकली के बाजू से नहीं, मेरे बाजू से निकाली थी। तुम कौन हो? मेरा नाम शोला बाई है। आप दोनों जुड़वा बहने तो नहीं है? हाँ, हम जुड़वा बहने हैं, लेकिन हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क इतना ही है कि मैं डाकू बनकर अपने माँ बाप के कातिलों को ढूंढ रही हूँ, और ये मुजरा करने वाली रामकली अपने घुंघरुओं की झनकार और सिक्कों की बौछार में अपने माँ बाप के कातिल डाकू महाकाल को भूल गई। ये झूठ है, हम अपने माँ बाप के कातिलों को भूले नहीं है। हाँ, जिस तरह गंदा पानी नाली में बहता है, उसी तरह डाकुओं का कोठे पर आना जाना लगा रहता है। मैंने अपने पैरों में इसीलिए घुंघरू बांधे कि कभी इनकी झनकार सुनकर मेरे माँ बाप का कातिल कोठे पर आए और मैं खूंखार शेरनी बनकर उसका सीना चीर डालूं। यह भी एक इत्तेफाक है। मुझे मेरे बहन की और तुम दोनों को अपने माँ बाप के कातिल की तलाश है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे मकसद के साथ साथ हम तीनों की मंजिल भी एक है? भैया, पता चला है रामकली भी शोला बाई की बहन है और उसे भी आपकी तलाश है। और वो शंकर भी आपकी लाज गिराने के लिए आपको ढूंढ रहा है। भैया, आज के बाद मैं सबकी तलाश को खत्म कर दूंगा। जाओ और रामकली और शंकर को पकड़कर कैद कर दो, और शोला बाई से कहो कि हमारे पास एक ऐसा खत है जिसमें उसके माँ बाप के खातिर का नाम और पता लिखा है। शोला बाई, अब ये राज खुलने वाला है कि आपके माँ बाप का कातिल कौन है। कौन खोलेगा ये राज? किसकी मुट्ठी में बंद है ये राज? वो राज बिरजू की चिट्ठी में बंद है, और वो चिट्ठी शाकाल के पास है। उसे देने के लिए तुमको बुलाया है। शाकाल, मैं आ रही हूँ। आओ शोला भाई, आओ बैठो। मैं वो खत लेने आई हूँ। बरसों से तुम्हें जिस कातिल की तलाश थी उसका नाम इस खत में लिखा है। यह खत तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, और हर जरूरी चीज की कीमत चुकानी पड़ती है दोस्त। दोस्त भी बोलते हो और कीमत भी मांगते हो। तुमने कौन सा मेरा कोई काम मुफ्त में किया है? हाँ, एक काम है जो मुफ्त में करना पड़ेगा, तब यह खत मिलेगा। ठीक है, काम बोलो। सेठ देवीलाल, जानती हो? जानती होगी, उसके पास एक 9 लाख का हार है। वो हार मेरे पास ले आओ, खत ले जाओ। मैंने ये जलील काम करना छोड़ दिया है। बहुत अच्छी बात है, जलील काम करने भी नहीं चाहिए। एक खबर मैं तुम्हें देता हूँ, शंकर और रामकली मेरे कब्जे में है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उन दोनों को अपने पैरों तले कुचल दूंगा। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है, मैं अभी वो हार लेके आती हूँ। कल सुबह काली पहाड़ी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं वही करूंगा जो मैंने कहा है। अब जो करना है मुझे करना है। भैया, ये शोला भाई क्या कह गई? यही कि वो मुझे पहचान गई है। कल जब यह हार लेकर आएगी तो फिर जन्म लेगा इन सब का काल, महाकाल। यही वो 9 लाख हार है जिसे मैं डाकू महाकाल को देकर शंकर और मेरी बहन की जिंदगी बचा लूंगी। रुक जाओ शोला भाई,
तुम ये हार लेकर नहीं जा सकती। उस दिन तो बच गई थी मगर आज नहीं बचोगी। सेठ जी, मुझे यह हार किसी भी कीमत पर चाहिए। अगर मैंने यह हार डाकू महाकाल को नहीं दिया तो वो मेरी बहन और शंकर की जिंदगी छीन लेगा। क्यों झूठ बोलती हो? डाकू महाकाल तो मर चुका है। नहीं सेठ जी, डाकू महाकाल जिंदा है। वही विकराल था, वही शाकाल है और वही महाकाल है। मुझे जाने दीजिए सेठ जी, डाकू महाकाल ने मुझे काली पहाड़ी पर बुलाया है ये हार लेकर। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, पुलिस के हवाले कर दूंगा। जो चीज मांगने से नहीं मिलती सेठ जी, शोला उसे छीन लेती है। मुझे रोकने की कोशिश की तो राम नाम सत्य कर दूंगी। मुझे ये खबर पुलिस को बतानी पड़ेगी। क्या डाकू शोला बाई तुम्हारा नौलखा हार ले गई? हाँ सरकार, डाकू शोला बाई कह रही थी उसकी बहन और शंकर की जिंदगी का सवाल है और अगर उसने हार महाकाल को नहीं दिया तो वो उन्हें मार डालेगा। क्या बकते हो, डाकू महाकाल तो मर चुका है। नहीं सरकार, डाकू महाकाल जिंदा है और काली पहाड़ी पे शोला बाई को बुलाया है। रामकली, जब तक शोला भाई नहीं आती तब तक नाच गा के हम सबके दिल में खलबली मचा। जब वो दिल जली आएगी तब सबकी कहानी खत्म हो जाएगी। पहले मेरे शंकर को छोड़, फिर देखना मैं कैसे तांडव दिखाती हूँ। शंकर को छोड़ दूं? हा! अरे शंकर तो मेरी आखिरी चाल का वो मोरा है जिसकी आड़ लेकर मैं जागीर और शोला भाई को मौत की खाई में फेंक सकता हूँ, उनकी चिता के शोलों से अपनी आंखें सेक सकता। अगर तूने मेरे शंकर को नहीं छोड़ा ना तो मैं मर जाऊंगी पर नहीं नाचूंगी। छम्मक छल्लो लहरा अपना पल्लो, कमर लचका तुम का लगा, वरना तेरे ना को हाँ में बदलने का तरीका है हमारे पास। तेरी नहीं नहीं हाँ हाँ में बदल जाएगी और अगर नहीं बदली तो फिर शंकर की खोपड़ी उड़ जाएगी। नहीं नहीं, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। जब तक चलेंगे सांसें मेरी, जब तक चलेंगे सांसें मेरी, मैं नाचूंगी नाऊंगी,
लंबे और छह उंगली वाले छंगे, दुनिया के सबसे बड़े नंगे। इससे पहले कि शुरू हो जाए दंगे, मजबूर लड़की की मजबूरी से फायदा उठाना छोड़ दे। अरे मजबूरों की मजबूरी से फायदा उठाना तो जुल्म की दुनिया का सबसे बड़ा कायदा है। मुझे कायदा सिखाना छोड़ दे, मैं तेरा हार लेके आई हूँ। हार ले और रामकली और शंकर को छोड़ दे। सोच ले कि अगर तूने कोई चाल चलने की कोशिश की तो शंकर और रामकली अपने पैरों से चलकर नहीं जाएंगे। जिंदगी और मौत का खेल तो तूने शुरू किया था महाकाल। याद कर 15 साल पहले तूने मेरे माँ बाप उन दोनों को बड़ी बेदर्दी से मारा था। तो क्या हुआ, मैं ऐसे कई घर उजाड़ चुका हूँ। मुर्दों को जमीन में गाड़ा जाता है, मैं तो जिंदों को गाड़ चुका हूँ। ये रहा वो हार। हार देख लिया महाकाल, तो भेज अपने भाइयों को हार ले जाने के लिए। मंगल कुंदन। जी भैया। जाओ हार ले आ, और अगर कोई धोखा हुआ तो सबकी लाशों को बिछा देना। चल मंगल। देखो अपने भाई को, देखो पागल हो गया है साला। तेरे साथ साथ तेरे दोनों भाइयों की लाशें भी गिरेंगी। नहीं जागीरा, मेरे भाइयों को हाथ मत लगाना, कुछ मत करना मेरे भाइयों को। अपने भाइयों के जान की सलामती चाहते हो तो चंपा और शंकर को छोड़ दो। हाँ शंकर और रामकली तो क्या, इनके लिए तो मैं सारी दुनिया को रिहा कर दूंगा। इनको मैं यहाँ से भेजता हूँ, उधर से वो दोनों आने चाहिए। छोड़ दो इन्हें। मेरे भाइयों को छोड़ दे। ए, ए, जाओ, जाओ।
जागीरा, जागीरा छोड़, छोड़ दे जागीरा, छोड़ दे कुत्ते। पिल्ले क्या हो गया? ये तो होना ही था शंकर, ये तो होना ही था। और डाकू, डाकू कब अपनी मौत मरते हैं? मत रो बहन, आज तो बड़ी खुशी का दिन है। हम जिंदगी में बहुत रो चुके, आज हम जीत गए, हम जीत गए बहन, हम जीत गए। काश ये गोली मुझको लगती। नहीं बहन नहीं, तो फिर शंकर का क्या होता? शंकर, संभालिए अपनी रामकली को। मेरी जिंदगी का सफर बस खत्म हो गया ना।